काजल राणा के बाद भाजपा की निगाह किस पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पार्टी के दो विधायक दल बदल कर भाजपा के खेमे में जा बैठे तो हिमाचल कांग्रेस के सामने असली प्रश्न आ खड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ दो का नहीं बल्कि भाजपा का वह खुला दावा है कि अभी और कई आएंगे। अब शायद कांग्रेस का काम चुनावों से ठीक पहले काफी बढ़ गया है। पहला तो ये कि अगले कौन हो सकते हैं और दूसरा ये कि इन हालात में विश्वास किस पर किया जाए। साथ ही समर्थक ये भी चाहेंगे भाजपा को जल्द ही उसके ही सिक्के में जवाब दिया जाए। कांग्रेस छोड़ क्यों भाग रहे नेता? जी हाँ, कांग्रेस के नेता, ये ऐसा क्या हो गया राजेश? परसों तक सब ठीक था, कल ही देखिए सब कुछ हुआ। एक बच्चे को पता था क्या होने जा रहा है और आज फिर वही हो गया राजेश। अगर राजेश इसको मैं ऐसे ही कहूँ कि धमाकों की उम्मीद तो शुरू से थी सियासी, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक आ गए हैं राजेश। एक तरफ मिशन रिपीट है और एक तरफ रीगेन करने की बात कही जा रही थी। भाजपा ने कांग्रेस के किले में बड़ी सेंध मारी है राजेश आज। बिल्कुल, जरा बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, देखिए भाजपा ने बहुत बड़ी सेंध मारी कांग्रेस के खेमे में की है और एक तरह से कांग्रेस से आज की डेट में जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दोनों को भाजपा ने छटक लिया है, कांग्रेस के खेमे से खींच के भाजपा को उनकी सदस्यता ग्रहण करवा दी है। मसला जो बात जो हो रही है कांगड़ा जो विधानसभा हल्का है वहां के विधायक पवन काजल की बात हो रही है और फिर नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा की बात हो रही है। दोनों ने आज नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ साथ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने मुलाकात वहां कर ली है। तो कांग्रेस के खेमे से निकलकर भाजपा में दो बड़ी जो कांग्रेस के जो गन्स हैं आज शामिल हुई हैं। राजेश बिल्कुल सही बात है, आगे हम इस चर्चा को बढ़ाएं, इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, हम बहुत समय ले चुके हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं आगे से कि समय बहुत ले चुके हैं, हम थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा हमें। पवन काजल साहब की बात कर लेते हैं, राजेश, कांगड़ा के विधायक और ये देखिए कार्यकारी, जैसे आपने बताया कार्यकारी अध्यक्ष ही नहीं, ये चौधरी बिरादरी के बहुत बड़ा चेहरा भी हैं। सही है, कांगड़ा में पूरे जिला की बात कर लीजिए, चौधरी बिरादरी की बात कर लीजिए राजेश जी। अच्छा, और दूसरी तरफ लखविंदर राणा भी कम नहीं, बिल्कुल है ना जी, सिटिंग एमएलए, बस उनको और परिचय की जरूरत क्या है, उपाध्यक्ष पद पे वैसे ही है। बिल्कुल राजेश, क्या लगता है आपको ये इस नजरिए से अगर हम देखें कि बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता है जो जिस तरह से ले लिया है, बिल्कुल, तो इसको ये कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस का है और फायदा बीजेपी का है? बिल्कुल, देखिए पवन काजल को अपने साथ मिला के भाजपा ने तीन तरह की चीजें को साधने की कोशिश की है चौधरी जी। पहली चीज जो इसमें है कि कांगड़ा अगर हम देखें तो कांग्रेस के संगठन में बहुत बड़ी सेंध उन्होंने लगाई है, जिस तरह से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को अपने साथ उन्होंने मिला लिया है। दूसरा, ओबीसी वर्ग का वोट बैंक कांगड़ा में 54 से 55% तक ओबीसी वोट बैंक कांगड़ा का है, कांगड़ा की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, तो इस तरह से एक चेहरा, एक तरह से उन्होंने उस मतलब वोट बैंक में सेंध लगाई है। और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है कि पार्टी के पास इतना कोई प्रभावी चेहरा इस बिरादरी का नहीं था, कांग्रेस के पाले से पवन काजल को खींचकर भाजपा ने वो चेहरा भी हासिल एक तरह से कर लिया है। और तीसरी तरफ अगर हम पवन काजल का बयान देखें, जिस तरह से वो शामिल जब बीजेपी में हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो आस्था जताई अग्निहोत्री जी, साथ ही ये कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए जो केंद्र सरकार काम कर रही है या हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार जो काम कर रही है, वहां से फिर उनकी नीतियों से प्रभावित होकर ही वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मतलब साथ है कि मैसेज पार्टी का एक चला गया है और इसीलिए पवन काजल को बीजेपी ने अपने साथ मिला के एक बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक या सियासी मास्टर स्ट्रोक खेला है जी राजेश। और देखिए पवन काजल ने जो संभावित एक तरह कोई ऐसा आशंका हो सकती थी कि विरोध हो सकता है, उन्होंने वही उसी मंच से एड्रेस कर दिया, बिल्कुल, अपनी बिरादरी को कि देखिए ये सब आपकी ही भलाई के लिए, बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। है। अब देखते हैं आगे कैसे ये चीजें बनती है। राजेश एक और भी चीज है, अगर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की देखें तो यहाँ पे बहुत सारे चेहरे हैं जो टिकटारती हैं भाजपा के पास, बिल्कुल, वो भाजपा का संकट एकदम से दूर हो गया। कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि पवन काजल उनके पास ऑलरेडी सिटिंग एमएलए थे, बिरादरी के बड़े नेता थे। सही है, अब वही संकट पास हो गया है, बिल्कुल, कांग्रेस के पास है, बिल्कुल। अब चेहरा कौन, कि वहां से चेहरा कांग्रेस कौन फील्ड करती है पवन काजल के अगेंस्ट, जो कि भाजपा की ओर से उम्मीदवार होंगे जाहिर है। राजेश
एक और बड़े नेता, मेरा छोटा सा प्रश्न है आपसे, एक और बड़े नेता की चर्चा थी कि वो भी शायद ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी आधार पर या कुछ अभी आशंकाएं हैं शायद उनको लेके भी, या एक या दो चेहरे मैं कहूंगा, बिल्कुल क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, तीन चेहरों की चर्चा हो रही थी अग्निहोत्री जी, इसमें कांग्रेस के एक विधायक भी बताए जा रहे हैं, और दो और कौन चेहरे हैं प्रदेश भर का अगर देखें तो चर्चाओं का माहौल आज एक तरह से गर्म है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनकी एक तरह से बात नहीं बन पाई है या थोड़ा सा सहमति, अगर हम इसमें जो हमारे पास जो इनिशियल इनपुट है कि इनकी अभी बीजेपी में एक तरह से अगर एंट्री नहीं हुई है तो उसके कारण क्या है? कारण दो बताया जा रहे हैं, पहले कि ये टिकट का एक तरह से आश्वासन पार्टी से चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं कि मुझे टिकट दे दी जाए फलां जगह से जहां से कंस्टिट्यूएंसी उनकी है। दूसरा ये कैबिनेट में मंत्री पद चाहते थे, चुनाव जीतने के बाद मंत्री इनको बनाया जाए, तो पार्टी ने या बीजेपी ने दोनों ही संभावनाओं को एक तरह से खारिज कर दिया है और ये कहा कि अगर भाजपा में आना है तो बिना शर्त के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो इस तरह के एक तरह से आप ये कहिए कि तीन बड़े नेता कांग्रेस के बताए जा रहे हैं जो अब भी बीजेपी की जाने के चक्कर में हैं। राजेश, तीन या चार दिन पहले देखिए आप, कांग्रेस की ओर से दावा था, खुलेआम हुआ था कि दो मंत्री वर्तमान सरकार में, सही है, भाजपा के ही वो लोग, वो कांग्रेस में एंट्री का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस से संपर्क में, हम ऐसे थोड़ा इसको वो करते हैं जी। लेकिन ये तो उल्टी ही गंगा बह गई महाराज, सही, ऐसा तो उम्मीद ही नहीं, उम्मीद तो सच में ही लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस, देखिए जैसा हिमाचल में होता है ये सरकार फिर वो सरकार, उम्मीद ये की जा रही थी कांग्रेस के नेता शायद कुछ बोल रहे हैं, शायद कुछ ऐसा होगा, लेकिन तो कुछ और ही हो गया, क्या कहें? सही है, बिल्कुल सही है। देखिए इस मसले में अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए हालात चिंताजनक होने जा रहे हैं अग्निहोत्री जी। अब जिस तरह के नेता, जो दो नेता तो चलो आधिकारिक तौर पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता या बीजेपी में वो चले गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अभी जाने की फिराक में है, छिटक रहे हैं या जो पार्टी में है, भाजपा के लोग राजेश दावा कर रहे हैं दौड़ लगेगी हमारी तरफ, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था। अब जिस तरह से वो लोग हैं तो उन लोगों पर अब कांग्रेस विश्वास कैसे करेगी, सवाल सबसे बड़ा अब ये है, क्योंकि वो बीजेपी के संपर्क में है, नीति और योजनाएं पार्टी की जो भी होंगी हो सकता है वो आने वाले दिनों में लीक हो जाए। और दूसरा ये है कि जितने भी ओहदेदार हैं या पार्टी के, आने वाले दिनों में एक तरह से अगर हम ये देखें तो इस तरह का माहौल क्या पार्टी के भीतर, कांग्रेस के भीतर नहीं बन जाएगा कि उनको ये लगेगा कि फलां व्यक्ति इसको उकसा रहा है? उदाहरण एक इसका सबसे बड़ा अग्निहोत्री, जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी उस दौरान एक वोट कांग्रेस के किसी एमएलए का रद्द हो गया था, और इसको लेकर सरकार तंज लगातार कसती रही है कांग्रेस के ऊपर कि हमें पता है, सरकार को पता है कि वोट किसका रद्द हुआ है, मतलब निष्ठा में पहले से खोट था। तो इस तरह के सवाल अब हैं जो कांग्रेस को, जिनका उत्तर एक तरह से ढूंढना होगा। दूसरा अगर हम कहें तो सवाल पार्टी के भीतर ही दो खड़े कर दिए हैं लखविंदर सिंह राणा ने, पहला यह कि परिवारवाद का उन्होंने ये सीधे तौर पर बोल दिया कि केंद्रीय नेतृत्व में परिवारवाद हावी है, हिमाचल प्रदेश में परिवारवाद हावी है, एक ही पार्टी, बिल्कुल एक ही परिवार के पास पूरी पार्टी की शक्तियां हैं। और दूसरा उन्होंने यह कहा कि पार्टी की नीति स्पष्ट नहीं है, नियम स्पष्ट नहीं है, किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है। तो इस तरह के सवाल जब पार्टी के भीतर से जब खड़े होने लगे तो किसी ऐसा लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति की सवाल नहीं है, ये कई और चेहरों के ऐसे सवाल हैं जो पहले भी उठते रहे अग्निहोत्री जी। जी, और इस नजरिए से देखें तो पवन काजल ने जो बात कही है वो ज्यादा बैलेंस्ड लगी है ना जी, उन्होंने शायद कांग्रेस को ज्यादा कुछ नहीं कहा जाने के बाद। अच्छा राजेश, अब जब परिस्थितियां ये हो गई हैं जी, कांग्रेस में बड़े नेता, बहुत पुरानी पार्टी है, ज्यादा समय तक यही सत्ता में रही है, अब तक भी अगर देख ले जी, और बड़े नेता हैं, होशियार नेता हैं कांग्रेस के पास, सब एक साथ चले भी हुए थे, बीच में ये जो क्षरण हुआ है जी, इसे चिंतित तो वो भी होंगे, लेकिन इतनी कैपेसिटी तो उनमें है कि वो रीस्ट्रेंथन हो सकते हैं, अभी भी पार्टी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन चुनौती बड़ी होगी राजेश, अभी कैसे देखते हैं आप इसको, क्या करना होगा वरिष्ठ नेताओं को अभी, अब पार्टी को संभालने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही है, पार्टी को संभालने के लिए पार्टी को सबसे पहली बात तो वरिष्ठ नेताओं को आगे करना होगा। जिस तरह से मैं उदाहरण देता हूं, पवन काजल को जब पार्टी ने पिछले कल आप देखे कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया, तो तुरंत प्रभाव से ओबीसी के लीडर की ही आप देखिए, बहुत बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, इससे पहले हाशिए पे रहे अग्निहोत्री जी, आप याद करिए सांसद रहे हैं कांगड़ा चंबा के, जिन्होंने बिल्कुल चौधरी चंद्र कुमार की बात हो रही है, चौधरी चंद्र कुमार को कारक
कार्यकारी अध्यक्ष अब बनाया है और उनसे जो जूनियर थे उनको पार्टी ने आगे कर दिया, तो एक तरह से वो सीनियर जो लोग थे, बिल्कुल बहुत सारी बातें इसकी चल पड़ी है। दूसरा कांगड़ा जिस तरह का है कि अब नए सिरे से आप ये मान के चले कि कार्यकारिणियों को गठन करना होगा, कांगड़ा की ब्लॉक कार्यकारिणी को जिला कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष ने भंग कर दिया है और इसी तरह जिला कार्यकारिणी पे भी थोड़ा सा उसमें भी उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की जरूरत है अग्निहोत्री जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता जिस तरह से सीधे विधायक के साथ जो अटैचमेंट थी वो अटैचमेंट तो बनी रहेगी। अब सवाल ये होगा कि पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो वरिष्ठ नेता आगे आके संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने के लिए पहली लाइन में खड़े हो जाएं, तब कांग्रेस को एक तरह से मजबूती मिलेगी। हाँ राजेश, और कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए कल से ही और आज तो बहुत ज्यादा, अब उनकी एक इच्छा है कि अब भाजपा की ओर से बड़ी मछलियां फांसी जाए, सही के जवाब तभी दे पाएंगे ऐसा कार्यकर्ताओं को लगता है। अब देखते हैं होता क्या है आगे, पर देखने वाली चीज है। राजेश, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समय बहुत ले चुके हैं, छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे, आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम कैसा रहा आज शिमला में? बिल्कुल, राजधानी शिमला में आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम था, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। 5 गारंटी हिमाचल प्रदेश की जनता को देने की इन्होंने कोशिश की है अग्निहोत्री, शिक्षा पे फोकस इन्होंने किया है, हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा देने का इन्होंने ऐलान किया है, दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी शानदार सरकारी स्कूल बनाने का इन्होंने भरोसा दिलाया है और प्राइवेट स्कूलों की नाजायज जो फीस वृद्धि है उसको रोकने का ऐलान इन्होंने कर दिया है, शिक्षकों के खाली पद भरने का इन्होंने ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कच्चा शिक्षक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे या आउटसोर्स पे कोई शिक्षक प्रदेश में नहीं होगा, रेगुलर ये भर्तियां की जाएंगी और साथ ही साथ फिर इन्होंने एक और बहुत बड़ा ऐलान वहां से कर दिया है, गारंटी इस चीज की दी है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं ये पढ़ाने के अलावा बाकी कोई भी काम नहीं करेंगे, चाहे जनगणना की बात हो चाहे चुनावों की बात है, कोई इस तरह का काम नहीं करेगा, पढ़ाई पे इनका फोकस रहेगा, तो गारंटी देने की कोशिश इन्होंने आम आदमी की तरफ से की है और बड़ी बात यह है कि मौसम ऐसा लग रहा है कि मेहरबान आम आदमी पार्टी पे हुआ इस मर्तबा हुआ है, बिल्कुल केजरीवाल साहब नहीं दिखाए जी। राजेश, देखिए ये जो मुद्दे आज आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं ना, ये हर घर के जुड़े मुद्दे हैं, बहुत से कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे हैं, बिल्कुल, और ये कई तरह से जो है जनता को प्रभावित कर सकते हैं ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं जी। बस यही है कि समय बहुत कम है, संगठन थोड़ा और मजबूत होता अगर आम आदमी पार्टी का, या ये कर ले आम आदमी पार्टी, ऐसा लोग जो समर्थक हैं जो आम आदमी पार्टी के या जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की भी एक जगह होनी चाहिए प्रदेश में, बिल्कुल उनके थोड़ा सा कंसर्न है। अब देखते हैं उस दिशा में क्या करती है पार्टी।